में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है ए बी सी डी इज़ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है और 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन ए बी। मान लीजिए ये साइड ए बी है, ऐसे ले लो, चलो ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो ए बी पे 3 पॉइंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, 4 पॉइंट्स है किस पे, बी सी पे, तो बी सी पे 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स हो गए। फिर सी डी पे 5 हैं, सी डी पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए और डी ए पे मेरे 6 पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 पॉइंट्स हैं ऐसे। तो कह रहा है द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विद वर्टिसेस ऑन डिफरेंट साइड्स, मतलब एक अगर ये वर्टेक्स ली, एक ये वर्टेक्स ले ली और एक ये वर्टेक्स ले ली, तो एक ट्राइंगल मेरा ये बन गया। तो इसकी तीनों ही वर्टिसेस अलग अलग साइड पे हैं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं टोटल। ठीक है, तो क्या किया हमने, बोला कि इन तीन में से कोई भी एक वर्टेक्स हम ले लें, फिर इन चार में से कोई भी एक ले लें और फिर इन पांच में से कोई भी एक ले लें, तो इतने ट्राइंगल बन गए। ये तो हो गया केस वन। केस टू क्या हो सकता है, फिर से 3 और फिर 5 और फिर 6 में से एक। केस थ्री क्या हो सकता है, 3 में से एक, फिर 4 में से एक और 6 में से एक। और केस फोर क्या हो सकता है, केस थ्री ये है, केस फोर हमारा हो जाएगा कि 4 वर्टिसेस में से एक, 5 वर्टिसेस में से एक और 6 वर्टिसेस में से एक। तो यही मेरे 4 केस बन सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 3, 4 × 5 यानी 60। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3, 5 × 6 यानी 90। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3, 4 × 6 यानी 12 × 6 72। फिर ये आएगा 4, 5 और 6 यानी 20 × 6 120। तो इनको प्लस करेंगे तो 2, 7 + 2 = 9, 9 = 18 and 6 = 24 2 + 1 = 3 तो टोटल 342 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। यही मेरा आंसर है, तो ऑप्शन मेरा इनमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। बस